जहां भगवान शिव का लिंग गिरा और शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। मित्रों, हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था, तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था, तब से भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहां पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेट कर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया, इसलिए यह जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त आरआर्षि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई थीं, तो उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गईं। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रम थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित हो कर गिर गईं। जब वे सब पूरी रात कुटियों में वापस नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्तऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं, तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ व्याभिचार किया है और इस आशंका में वे भगवान शंकर को शाप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्याभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्त आरआर्षि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती हैं। ऋषियों ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिव लिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहां करीब 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 29 किमी दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहां पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है, मां वैद्यनाथ मनुष्या व्रजंतु काशीपुरी शंकर बल्लभावा माया नगया मनुजा नयांतु जागीश्वराख्यम तू हरम व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग न जा पाए, शंकर प्रिय काशी
माया नगरी हरिद्वार भी न जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर नर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से दो शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। ये बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। ये भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से विख्यात है। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 124 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके 4-5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ, हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान है। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान किया है।